नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सुबह का वक्त है, ये धुंध जो है वो कोहरा है, सामने बहुत सुंदर सुंदर से पर्वत हैं और देखने में दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो रोडे हैं बिल्कुल स्मूथ हैं, जैसे पिकॉपिक हैं थी, मोरनी थी, मोर नहीं था। और रोडे जो हैं यहाँ की, मोड़े हैं वो बिल्कुल यू टर्न है, जैसे बिल्कुल यू टर्न। और मुझे यहाँ का ये खास बात अच्छा लगा, ये रोड के बीच में पेड़ था, पेड़ को नहीं काटा, रोड को साइडों से निकाल दिया और पेड़ के लिए उतनी जगह छोड़ दी गई। ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ कर देख कर कि पेड़ों को अधिकतर महत्व दिया जाता है, पेड़ों का महत्व बहुत दिया जाता है यहाँ। और यहाँ की जो मोड़े मैंने बोला था ना, बिल्कुल राउंड घुमावदार हैं और बिल्कुल चलते चले जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, सुहाना मौसम है, बड़ा मज़ा आ रही है। और आज हम लोग हो सका तो सतपुतली में रुककर डिनर करेंगे, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग हैं। यहाँ से सतपुतली करीब 200 किलोमीटर दूर है, पहाड़ी इलाका है, 200 किलोमीटर चलने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो हम लोग आगे चलते चले जा रहे हैं और सुहाने सफ़र, लोग देखो वॉक पर निकले हुए हैं, अपने बॉन्डिंग वॉक पर जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और व्यू बहुत मनमोहक है, अगर ऐसा व्यू हो तो सच में मैं भी डेली मॉर्निंग वॉक पर जाऊं और मस्ती करूं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। कृपया कर आप लोग बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये ऊपर रोड गई है, ऊपर पीक तक जाने के लिए पगडंडियाँ गई हुई हैं। और ये रोड है, ये जो रोड बनाता है ये बियार्डो बनाती है, बॉर्डर बियार्डो जो है, बॉर्डर वाले जो होते हैं वही लोग ये रोड बनाते हैं। हालांकि हम लोगों यहाँ ये जो लोग बनाते हैं रोड ठेके पे उठती है, पर यहाँ बॉर्डर वाले जो बॉर्डर डिफेंस लोग वाले लोग होते हैं वही रोड बनाते हैं। और जो दृश्य है वो बहुत सुंदर है, लोग आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं, मनमोहक दृश्य, ऐसा दृश्य मन तो यही करता है कि नज़रें यहाँ से नहीं हटती हैं, बिल्कुल प्यारा, बहुत प्यारा। और मोड़े बहुत तीव्र है यहाँ की, बहुत तीव्र है मोड़े। किसी ने सच ही बोला है कि कहीं कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, और मैं अपने घर से निकल चुका हूं कहीं पहुंचने के लिए। और ऐसा दृश्य हो तो क्यों ना मैं अपने घर से निकलूं, क्योंकि ये दृश्य मन को मोहित कर लेने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि पेट्रोल पंप ये खुला नहीं है, इसीलिए यहाँ पेट्रोल नहीं डलाया, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और ये बादल, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में हम लोग चल रहे हैं। आंटी अपनी सुबह की मॉर्निंग वॉक पर निकल चुकी हैं, जैसे डॉगी भी अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, आंटी भी मॉर्निंग वॉक कर रही हैं। और यहाँ सबसे तीव्र मोड़ यही थी, यही मुझे सबसे तीव्र मोड लगी है, क्योंकि ये बहुत तीव्र है, यू टर्न में है, एकदम घुमावदार, पूरा घूम गई गाड़ी। और घूमने के बाद गाड़ी जहाँ घुमावदार गाड़ी घूमी और फिर एक मोड़ आ जाता है, बिल्कुल घुमावदार, बहुत यू टर्न मोड़ है ये, देख सकते हो आप लोग वीडियो के माध्यम से, यू टर्न मोड़ है ये मोड़ जो है। और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं सतपुतली, यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर, जैसे सामने ये दिखाई दे रहा है, इसी का नाम सतपुतली है। और हम लोगों ने काफ़ी दूरी तय कर ली है कम से कम यहाँ तक पहुँचने में, और हम लोग कुछ ही टाइम में शाम भी हो जाएगी। और शाम होने पर हम लोग यहीं सतपुतली में ही रुकेंगे, कुछ बनाएंगे, बनाने के बाद कुछ खाएंगे। और रात में पहाड़ों पर ट्रैवल करना बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए हम लोग रात में ट्रैवल नहीं करेंगे। और ये जो दृश्य है देख सकते हो, पहाड़ों के ऊपर बने हुए घर बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ की रोडें कुछ कच्ची हैं, कुछ पक्की हैं, अब रात होने ही वाली है कुछ ही देरी में, जैसे कि देख सकते हो अंधेरा छा चुका है पहाड़ों पे, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर लड़के रात में खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जीतू भाई प्याज टमाटर सब काट चुके हैं, इधर हम लोगों का तेल, और यहाँ पर आलू कटे हुए हैं, और यहाँ पर ये चावल धुले जा रहे हैं, भाई चावल धुल रहे हैं। और रात का बजा है 10 करीब, 10 बजे हम लोग खाना बना रहे हैं, वो भी पहाड़ों पर, पूरा फॉगी एरिया है। और ये यहाँ पर बस अड्डा है, ये वहीं हम लोग रुके हुए हैं और यहीं हम लोग खाना बनाया जा रहा है, हम लोगों का चावल धुल रहे हैं भाई, और फिर थोड़ी देर के बाद। और ये हमारा तहरी का सामग्री सारा पड़ चुका है, अब कुछ ही देर में तहरी बन जाएगी, ढक्कन लगाने के बाद 4 या 3 सीटी मारेंगे और तहरी कंप्लीट। अरे बाबा हैं, अरे जीतू भाई हैं इधर, और ये इधर हरिओम भाई हैं।
एक प्यारी सी रात में सोने के बाद सुबह सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आज का ब्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और इस समय हम लोग सतपुतली में हैं, सतपुतली क्रॉस कर रहे हैं। ये क्राउडेड एरिया है, सुबह का वक्त है, लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। देखो जैसे कि व्हीकल्स खड़े हुए हैं, क्योंकि रात में माउंटेन पर लोग ट्रैवल नहीं करते हैं। रात में ट्रैवल करना माउंटेन पे ख़तरनाक होता है, इसीलिए लोग रात में ट्रैवल नहीं करते हैं। और यहाँ का जो दृश्य है मनमोहक है, सतपुतली का व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, प्यारा है। ये गलियाँ, स्ट्रीम गलियाँ, मैंने बहुत वीडियो कट किया है तब जाके मैंने इतना छोटा वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जो व्यू बिल्कुल मनमोहक है। और हम लोग सतपुतली से बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकलने के बाद आगे की तरफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो दृश्य है वो बिल्कुल मनमोहक है, मन को मोहित कर लेने वाला है। पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि बरसात हो रही है, पर हल्की हल्की बरसात हो रही है। जैसे कि देखिएगा, वो सतपुतली है और वहीं पर हम लोग रुके हुए थे। ये रोडें बिल्कुल घुमावदार हैं, बहुत घुमावदार रोडें हैं, बहुत प्यारा दृश्य है, मन को मोहित कर रहा है। मन तो यही कर रहा है कि छोटी सी कुटिया लेकर इन्हीं पहाड़ों पर बस जाएँ और यहीं रहने लगें, क्योंकि ये इतना सुंदर ही लग रहा है। और सच में ट्रैवलिंग करना जो होता है अनुभव, ट्रैवलिंग करने से अनुभव बहुत होता है। तो यही मुझे सबसे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग का पार्ट, कि ट्रैवलिंग करने से अनुभव बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसीलिए हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अमाजोर जैसे कि देखिएगा बादलों के बीच में है, और अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। सतपुतली जैसे वो नीचे बसा हुआ था, वहीं हम लोग रुके हुए थे, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग। काफ़ी माउंटेन रोड क्रॉस किए हैं, जैसे कि ये व्यू, जैसे अब इस समय हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं, इसीलिए हम लोगों को ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, अन्यथा नीचाई पर ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये माउंटेन पर्वतों के ऊपर चोटी पर ही पाए जाते हैं। ये कुछ दृश्य ऐसे हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल को सांत्वना मिल रहा है कि हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और आज का प्लान काफ़ी कुछ है, कि आगे कहीं रुकेंगे, चाय नाश्ता करेंगे। अभी तो हालांकि भूख नहीं लगा है, क्योंकि रात में हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया था, अच्छे से नींद ली थी। और रात का खास बात ये था कि रात में हम लोगों को ठंड लगने लगी थी, क्योंकि यहाँ ठंडीला इलाका है और इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, ना कि शरद ऋतु नहीं है। फिर भी रात में पर्वतों पर ठंड लगने लगती है। जैसे कि ये देखिए, मॉर्निंग वॉक अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये रोडें स्ट्रीम रोडें, वर्ल्ड माउंटेन डेडलीज रोड्स हैं, बादलों के बीच में चल रहे हैं। जरा सी अगर इसमें लापरवाही हुई तो गाड़ी बिल्कुल खाई में गिरेगी, और खाई में गिरने के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा अगर जरा सी भी लापरवाही हुई। यहाँ पर मैंने देखा है कि केवल पहाड़ों पर, मोड़ों पर ही हॉर्न बजाए जाते हैं, अन्यथा हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि पर्वत खिसकने का डर रहता है, इसलिए हॉर्न मना किया जाता है। केवल मोड़ों पर हॉर्न बजाएं, क्योंकि मोड़ पर ये रहता है कि पता नहीं चलता है सामने से कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। और ये धुंध टाइप की छाई हुई है, ये दिन का मौसम है, ये करीब 12-1 बजने जा रहा है। दिन में भी मौसम ऐसा ही रहता है, पहाड़ों पर धुंध छाई रहती है और सुहाना ठंडा ठंडा मौसम रहता है, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज का यही प्लान है कि कहीं अच्छा सा ढाबा मिले और वहां पर रुककर हम लोग अपना चाय बनाएं, चाय नाश्ता करें, क्योंकि हम लोगों के पास गैस चूल्हा भी है, अपना खाने पीने का सामान भी है, कुछ भी खरीदना नहीं है, बस एक जगह अच्छी सी तलाशनी है और वहीं पर हम लोगों को अपना चाय नाश्ता बनाना। जैसा कि आप देखिएगा, ये हम लोग बादलों के बीच में हैं, बिल्कुल सामने बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं, और अगर ये बादल हट जाएं तो सामने बहुत सुंदर व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। जैसा कि आपने देखा, इस समय हम लोग बिल्कुल बादलों के बीच में हैं, वो बादल, और हम लोग बादलों के बीच में चलते चले जा रहे हैं, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है ये दृश्य। और रोडें बहुत अच्छी हैं, चलते चले जा रहे हैं, धुंध टाइप की आगे छाई हुई है, और हम लोगों को तलाश है एक अच्छी जगह की, जहां हम लोग अपना चाय नाश्ता बनाकर खा सकें। और देख सकते हो बिल्कुल बादल बादल नज़र आ रहे हैं, अगर ये बादल हट जाते हैं तो यहां से जो व्यू पॉइंटिंग है, जैसे कि माउंटेन व्यू, बहुत सुंदर सुंदर से दिखाई देंगे, पर
बादल छाए हुए हैं क्योंकि ये रेनी सीज़न है, इसीलिए बादल छाए हुए हैं। और कुछ पहाड़ों पर बरसात भी हो रही है, कुछ पर बरसात नहीं हो रही है। जैसे कि डैशबोर्ड पर आप देखिएगा, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, पर हम लोग अंदर बैठे हैं इसलिए सफ़र जारी है। और लगता है अगले ब्लॉग में चाय नाश्ता हो पाएगा। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।